नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं राम जी यादव। नमस्कार जी। मेरे साथ नेपाल के एक अध्यापक जुड़े हुए हैं। मैं आइए आपसे उनका परिचय कराता हूं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है और आप किस जिले में कहां क्या कार्यरत हैं? मेरा नाम देशराज वर्मा है। मैं जानकी गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 गुरुआ गाँव निवासी हूँ, जो बांके जिला में पड़ता है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि मेरी शिक्षा दीक्षा सारी भारत में ही हुई है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ लगभग 6 महीने से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली मैं नेपाली मेरी थोड़ी वीक थी, इसलिए थोड़ा हिचकिचाता था। बाद में मैंने हिम्मत किया कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हासिल ना किया जा सके। मैंने कोशिश की, आज कम से कम मैं 60-70% नेपाली बोल रहा हूँ। 6 महीने में मैं 60-70% नेपाली। इसका अभ्यास आपने किस तरीके से किया? इसका अभ्यास मेरा एक स्टूडेंट, जो मैं बॉर्डर एरिया में, एक सीमांत इंटर कॉलेज है रुपड़िया में जी, जी बिल्कुल बॉर्डर पे ही है, तो वहाँ मैं 2015-16 में टीचिंग किया हूँ, 2 साल, 15-16, 16-17। उसके बाद मेरा BTC में हो गया, तो वहाँ मेरा एक स्टूडेंट रुपड़िया का ही था, रोशन सिंह। तो उसने मुझे बताया कि सर आइए यहाँ, हम दोनों लोग मिलकर कोचिंग डालते हैं। कोचिंग में एक्चुअली में यहाँ जो हमारे मधेस जो तराई क्षेत्र में है, यहाँ के जो नेपाली लोग भी हैं वो हिंदी समझते हैं। पहले आप हिंदी में कोशिश करिए, फिर उसको नेपाली में कन्वर्ट करते जाइए। तो उसके बताए रास्ते पे मैंने वही कोशिश की, धीरे धीरे हिंदी से मैं नेपाली में कन्वर्ट हुआ। और नेपाली समाज में जब नेपाली लोगों के आसपास रहा, तो उन वो जो बोलते थे उनको मैं कैच करता था। अच्छा, क्योंकि एजुकेशन तो हाई लेवल की थी ही मेरी, मैं मैथ से MSc, साथ में मैं किसान PG कॉलेज से MA एजुकेशन, BTC, साथ में टेट, CTET, ये सब क्वालिफाई हूँ। तो उसी के इशारे पे मैं यहाँ आया और उसके साथ कोचिंग में पहले अपना पहला कदम रखा। उसके बाद एक स्कूल में ऑफर आया कि चूंकि मेरी डिग्री तो हाई क्वालिफाइड थी ही, एक स्कूल हमारे यहाँ रांझा एयरपोर्ट में चल रहा है, श्री भेरी विद्या मंदिर, उसमें थोड़ा प्रबंधकों की व्यवस्था गड़बड़ होते हुए वो स्कूल थोड़ा डल चल रहा था जी। तो कुछ मित्रों ने हमको ऑफर दिया कि सर आइए, आपका स्वागत है और इस स्कूल को आप अपने स्तर से चलाइए। तो मैंने उसमें शेयर लिया। शेयर इसलिए लिया कि शेयर लेंगे तो थोड़ा मालिकाना हक रहेगा, थोड़ा जो हमारे अंडर में काम करेंगे उन पर थोड़ा दबिश रहेगी, और हमारा जो फरमान होगा या जो भी हमारा कहना होगा वो लोग फॉलो करेंगे। तो ऐसा मतलब हमने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा नेपाल शिक्षा। तो आपने क्या किया फिर उस विद्यालय के साथ? विद्यालय के साथ पहले तो मैंने यहाँ माघ में, जो आपके यहाँ जनवरी 14 खिचड़ी के बाद, मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करते तो पहले मैंने 10-15 दिन देखा कि वहाँ आखिर ये विद्यालय ह्रास में क्यों गया। तो उसका रीजन ये मिला, वहाँ के आसपास के मैंने लोगों से पूछा, फील्ड में गए तो कहा, लोगों ने बताया कि व्यवस्था तो यहाँ की ठीक थी, पहले पुराना विद्यालय है, व्यवस्था यहाँ की ठीक थी, लेकिन बाद में यह हुआ कि कुछ जो इसमें मालिक हुए, एक ने दूसरे को बेचा, तीसरे ने चौथे को बेचा, उसमें क्या है थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। बाद में यह हुआ कि मालिक वहाँ कोई नहीं बैठता था, जो प्रिंसिपल पे अपॉइंट है उसी को सौंप दिया गया, वो अपने मनमानी तरीके से विद्यालय चला। अच्छा, तो सबसे पहले तो व्यवस्था आपने बताई, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा का स्तर किस तरीके से आपने सुना? इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले उसमें प्लेग्राउंड नहीं था, उसी के जस्ट पीछे हमारे एक शेयर होल्डर, उन्होंने उनसे हमने प्रस्ताव किया कि खेल के लिए एटलीस्ट आधा बीघा तो जमीन हो, कि इंटरवल में ही कम से कम कुछ बचे, क्योंकि खेल के दौरान मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर, इसका डेवलपमेंट होता है। तो मैंने प्रस्ताव रखा, उन्होंने किराए पे लिया, उसको मिट्टी पटवाया, फिर उसमें तार वगैरह लगवा दिया, जाली तार वगैरह, अब उसमें बच्चे आनंद पूर्वक खेलते हैं। बिल्डिंग तो वही है, अब उसके रंग रोजन के लिए पुराना हो गया था, दीवारें गुदी हुई थी, ये सब थी,
टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था जर्जर हो गई थी, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर किस तरीके से आपने एक उर्वर और उन्नत बनाया? शिक्षा का स्तर, चूंकि जब वहाँ कोई मालिक बैठता नहीं था तो अध्यापकों में भी थोड़ा ये रहता था कि हम पढ़ाएंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ाएंगे तो ठीक है। अपना पीरियड लग गया 12 बजे, वो जाते थे 12:15 पे, फिर अपना कहीं कोर्स पूरा होता था कहीं कोर्स नहीं पूरा होता था। तो इस क्षेत्र में मैंने पहले वहाँ जाके देखा कि कितना कोर्स बचा है, कैसे क्या है। जो ये हुआ कि अब ये नहीं पूरा होगा तो उसका मैंने खुद एक्स्ट्रा क्लास लेके बच्चों को उस कोर्स के बारे में जानकारी दी, ताकि हमारे इस क्षेत्र में उन बच्चों के माध्यम से गार्जियन पे निगेटिव प्रभाव ना पड़े कि वहाँ का कोर्स ही पूरा नहीं हो रहा। पहले जब कोर्स जो है वो पूरा कराया जाएगा तब उसका पॉजिटिव प्रभाव आ जाएगा, तब हमारे पास बच्चे आएंगे। मतलब क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम तत्पर। भारत में जैसे ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले जैसे महान लोग थे, गिजुभाई बधेकर का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने मोंटेसरी पद्धति से, और उन्होंने कहा कि बच्चों से ज्यादा माता पिताओं को शिक्षित करना चाहिए, तो किन शिक्षा शास्त्रियों और शिक्षा के दार्शनिकों का प्रभाव आपके ऊपर है जिसको लेकर आप काम कर रहे हैं? BTC के दौरान मैंने 2017 में मुझे BTC में काउंसलिंग के दौरान मुझे एक निजी विद्यालय मिला, श्री शंकर शिव महाविद्यालय फिरोजाबाद टुंडला जी, जो फिरोजाबाद का लास्ट तहसील है, उसके बाद आगरा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। BTC के दौरान मैंने तमाम धर्म के बारे में भी पढ़ा, विभूतियों के बारे में भी पढ़ा, इसमें मतलब बहुत से दार्शनिकों के बारे में पढ़ा। उसमें सब मॉन्टेसरी प्रणाली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इसमें यह बताया गया कि शिक्षा खेल खेल, इसमें मतलब जो शिक्षा प्रदाता है वो एक तानाशाह के रूप में ना होकर बिल्कुल सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। केवल वो इसके फोल्डिंग, जिसको बोलते हैं ये हमारे मनोविज्ञान की भाषा में सहारा प्रदान करना, सहारा प्रदान किया जाए, बच्चा खुद करके सीखे, तो इससे उसके ज्ञान को स्थायित्व प्रदान होता है। ये हमको बहुत प्रभावित किया, और इसी जब मैं शिक्षण करता हूँ तो यही पद्धति मैं अपनाता हूँ। बच्चों को खुद करके सीखने पर आधारित मैं शिक्षा प्रणाली उनको देता हूँ। तो आगे की क्या योजना है आपकी? आगे की योजना यही है, मैं चाहता तो और भी बिजनेस कर सकता था, क्योंकि मैं एक नेपालगंज हब में बैठा हूँ। इसकी तुलना आप लखनऊ से करेंगे, नेपालगंज की तुलना आप लखनऊ से करेंगे, और थोड़ा आर्थिक स्थिति रूप में भी सक्षम है कि हम 2-3 करोड़ इधर उधर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि जो हमारा क्षेत्र है, देखा अपने क्षेत्र में कोई यदि विदेश जा रहा है, जैसे यहाँ कामगार बहुत से विदेश जाते हैं, तो जो उनको भेजता है वो इतना प्रताड़ित करता है, इसका कारण है कि वो शिक्षित नहीं है, इसलिए इतना प्रताड़ित करता है, किसी का पैसा ले लेगा फिर भेजेगा नहीं, ये है वो है। तो मैंने ये सोचा कि हम एक विद्यालय व्यवस्था में जुड़े, हम अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करें, ताकि जो ये प्रताड़ना हमारे समाज में चल रही है वो दूर हो, और हर जात का बच्चा सक्षम हो, ताकि मतलब उसमें हमारा भी नाम रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गांव के लोग के लिए समय दिया, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका विद्यालय दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करे और समृद्धि की तरफ जाए, और नई पीढ़ियों को बहुत ही बड़े पैमाने पर शिक्षित करे, और उनको उनको एक महान नागरिक के तौर पर विकसित करे। धन्यवाद। धन्यवाद।